आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 23 सितंबर को वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। 121 करोड़ रुपए की भूमि पर बनने वाले स्टेडियम की लागत लगभग 330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस लॉन्च इवेंट में सचिन तेंदुलकर समेत कई दिग्गज क्रिकेटर मौजूद रहे। वाराणसी में आयोजित किए गए इस मेगा इवेंट में स्टेज पर योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत अन्य क्रिकेटर्स मौजूद थे। तभी तेंदुलकर ने नरेंद्र मोदी को एक विशेष जर्सी गिफ्ट की। इसमें आगे टीम इंडिया लिखा हुआ है, वहीं पीछे की ओर नमो नाम प्रिंट है। इस समारोह में भाग लेने के लिए सुनील गावस्कर और कपिल देव भी मौजूद थे। इसमें लगभग 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसमें अर्धचंद्राकार छत, कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट और बेल के पत्तों और डमरू जैसी संरचना जैसी अद्वितीय डिजाइन तत्व होंगे। स्टेडियम के डिजाइन का उद्देश्य काशी के सार को कैद करना है, जिसमें दर्शक दीर्घा वाराणसी के घाटों की सीढ़ियों से मिलती जुलती है। स्टेडियम दिसंबर 2025 तक पूरा होने वाला है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।